लेक्चर काफी सुने हैं सोशल मीडिया पे तो काफी पॉपुलर सर, थैंक यू सो मच। जी गुरु ग्रंथ साहब, और गुरु ग्रंथ साहब में जितना भी कलाम है ना, उसको हम हारमोनियम और तबले पे गुरुद्वारे में गा सकते हैं, जिसको हम कीर्तन कहते हैं, तो वो भी इधर होता है। दो टाइम हमारे अपने अपने लोग होते हैं जो गाते हैं। हाँ जी, गुरुद्वारे का सारा निज़ाम यहाँ से चलता है, यहाँ लोग खुद देते हैं, मांगते नहीं हैं, ₹10, ₹20 निज़ाम यहाँ से चलता है। ये होली बुक जी अभी इस वक्त ख़त्म चल रहा है, कि जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों में तो ये है कि कुरान पाक 30 सिपारे हैं, तो वो 30 सिपारे एक एक को दे के वो सब पढ़ लेते हैं। हमारा ऐसा नहीं होता है। अगर आज सुबह 8 बजे ख़त्म शुरू हुआ तो आज सारा दिन, आज सारी रात, कल का पूरा दिन, कल की पूरी रात, और परसों 8 बजे ये इख्तिताम हो जाएगा। 1430 पेजेस हैं गुरु ग्रंथ साहब के। हाँ जी, 1400 साइज़ में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन पेजेस में कमी नहीं आ सकती है जी। वो 1430 पेजेस ही होंगे। जब गुरु ग्रंथ साहब को हम सुबह जलवा फरोज करते हैं इस जगह पे, तो जिस पेज पे वो खुल गया, मतलब वो फिर हमारे लिए उस दिन के लिए एक फरमान होता है गुरु का। जैसे हम उसको रोज़ लिखते हैं, जुगो जुगाटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अज का हुक्मनामा, यानी ये आज के लिए, सिख के लिए ये उपदेश है अपने गुरु के लिए, कि आज का दिन आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे गुजारना है जी। मतलब ये जिसे लिखा है, मेरे ही हरे रतन नाम हर बसया बुरहा, तरे हो मेरे माथा, जन्म जन्म के किल बिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा। गॉड जो है उसने आपको नाम की दाद दे दी है, उस अल्लाह के नाम की दाद दे दी है, अब आपने उसको किस तरीके से फॉलो करना है, ये उसी पे आज सारा दिन के लिए हमें वो तरीके बताया गया है। और ये कौन सी ज़बान? ये रस्म ख़त ऐसी है जैसे हिंदी, लेकिन है ये गुरमुखी जी। जब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को हम क्लोज करते हैं, उसका सुखासन करते हैं, तो वो फिर इधर हम रखते हैं। हमारे में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज क्योंकि गुरु है हमारे, उसका बहुत सत्कार है। हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बहुत सत्कार करते हैं, एहतराम करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, और इस एक पेज से लेके 1430 पेज में इस पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई है, किसी और की इसमें सिफत नहीं है, माँ सिवाय उस अल्लाह की जी। तो इस वजह से हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बहुत एहतराम करते हैं। अगर इन केस ना तो इनको गर्मी लगती है, ना इनको सर्दी लगती है, लेकिन अगर गर्मियों के दिन होते हैं फिर इनको एसी लगे होते हैं, और अगर सर्दियों में होते हैं फिर उसको कंबल वगैरह चढ़ाया जाता है एक सिस्टम के साथ जी। ना बस जरूरत नहीं था कुछ बोल लगे आप डबू लगे जितनी सर गिरा ले जी सर। ये जो है जी बड़े वाला, और ये हमारा जो इसको खंडा कहते हैं, ये जहाँ से सब महाराज की शुरुआत होती है, पहला ही ऐसे शुरू, एक ओंकार गौर इसमान सत नाम, उसका नाम सच्चा है, करता पर वो सब कुछ करने वाला है, निर्भव, वो किसी के साथ दुश्मनी नहीं करता है, निर्वैर, और ना ही वो किसी से डरता है, अकाल की कोई शुक्र सुबह है, वो हमारी तरह ना सोता है, ना जागता है, ना उठता है, ना बैठता है, ना खाता है, ना पीता है, कहता है इतने सूखे वाला मालिक इतना कहाँ से रखे थे। गुरु प्रसाद अपने गुरु की अताद से जब आप गुरु की बात को मानोगे तब आपको मिलेगा कौन सी असली आद सच, जो शुरू से सच्चा है, चुका सच जो है भी सच्चा, नानक उसे भी सच, और वो सच्चा रहेगा। वेलकम टू पिशावरी सिंह सेवा सोसाइटी ऑफिस, प्रेसिडेंट पिशावरी सिंह सेवा सोसाइटी बाबा अरविंद सिंह, ये तमाम मेंबर हैं इसके। हाँ जी,
हमारे में हमारे भाई एक रस्म होती है, हम सिर पाव देते हैं। सिर पाव का मतलब है कि सिर से लेके पाव तक आपको इज्जत देना होता। तो बेशक ये दो ढाई गज कपड़ा होता है, लेकिन गुरु घर में इसकी बहुत मर्यादा है कि एक इज्जत है, एक मान है कि हमने आपको गुरुद्वारे में आके ये इज्जत दी। तो मेरे साथी आपको वो सिर पाव दे रहे हैं, ये कपड़ा आपने ग्राम के साथ संभाल के रखना है। हाँ जी, वाह ये मेरे साथी हैं, बोले सोने हार तस्वीरें। लेकिन गुरु घर में गुरु नानक के घर पे इसकी बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि सिर से ले सिर उपाव इसको कहते हैं, सिर से लेके पांव तक इज्जत देना। ये एक चादर है आपके लिए कि हमने आपको एक ऑनर दिया कि आप गुरुद्वारे आए, कि आपको याद दिलाएगा कि हम कभी गुरुद्वारे भी गए थे और हमें वहाँ पे सिर उपाव मिला था। जी सर, Now,